मुझे अच्छा लगा कि वे असेंबली के अंदर भी जब आवाज उठाते थे तो पूरे राजस्थान के लोग उनको सुनते थे। उनके लफ्जों में, उनके विचारों में उनकी प्रतिबद्धता थी। सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों के बारे में, राजस्थान की समस्याओं के बारे में उनकी समझ थी, और उसी रूप में वे अपने जीवन को समर्पित किए हुए थे। जब मैं मुख्यमंत्री बना आप सबके आशीर्वाद से पहली बार 98 के अंदर, तब मेरे वो मुख्य सचेतक बने। तब भी उनकी भूमिका बहुत ही शानदार रही थी, हम कैसे भूल सकते हैं। और सरपंच, प्रधान, उप प्रमुख, विधायक, लगातार बनना व सेवा करना बहुत बड़ी बात थी। वकालत की हो चाहे वो जन सेवा में लगे रहे हों, जहां कहीं भी काम किया आपने अमिट छाप छोड़ी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से वो आज हमारे बीच नहीं है। आज उनको हमारे बीच होना चाहिए था। परंतु मैं जब आया था वहां पर, जब उनके देहावसान पर शोक सभा में, तब जो सैलाब उमड़ पड़ा था वहां पर, तमाम गुर्जर समाज के साथ साथ में सभी समाज के लोग वहां आए थे। बहुत हृदय विदारक वो दृश्य था। अजीत सिंह जी ने और आप सब ने आगे बढ़ के जो मूर्ति लगाने का निश्चय किया, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और मुझे सौभाग्य मिला कि आज उनकी मूर्ति के इस समारोह में मुझे भी भाग लेने का अवसर मिला। अजीत सिंह जी के बारे में जितनी बात करें उतनी कम है। और ये ठीक कहा गया कि वे हमेशा संगठन में भी, कांग्रेस पार्टी के लिए भी उपाध्यक्ष रहे हों, चाहे किसी पद पे रहे हों, चाहे सरकार में या उप सचिव मुख्य सचिव रहे हों, हमेशा उन्होंने अपने इलाके की भी बात करी साथ में। और महुआ को फेमस कर दिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हरी सिंह महुआ, हरी सिंह गुर्जर नहीं थे, हरी सिंह महुआ। तो आप सोच सकते हो कि हरी सिंह महुआ ने महुआ के नाम को भी एक प्रकार से स्थापित कर दिया हमेशा के लिए। एक भाई, एक ऐसी हस्ती थी जो महुआ की थी, जहाँ के आप लोग सब बैठे हुए हो। और मैं समझता हूँ कि वो जो जिस प्रकार से सामाजिक कुरीतियों को लेकर भी उनकी रुचि थी, बाल विवाह हो या शिक्षा के बारे में बात हो, दहेज प्रथा हो, मृत्यु भोज हो, सब क्षेत्रों में उनका दखल था। और जब कभी मिलने आते थे तो कुछ कुछ ऐसी बातें कहते थे। भाई प्रसाद मीणा जी कह रहे थे कि उनसे कुछ सीखने को भी मिलता था। वो गांव और जमीन से जुड़े हुए नेता थे। गांव में क्या लोग सोचते हैं, लोगों के नब्ज पे उनका हाथ था, ये कहना चाहिए। और पैरी बहुत झमके किया आपके चित्र हमेशा उन्होंने। SC ST OBC माइनॉरिटी MBC हमेशा उन्होंने, कैसे पिछड़े समाज के लोगों का भला हो, इस पर उनकी रुचि रही। गुर्जर आंदोलन भी चला लंबा, तो उस चाहते थे कि शांति सद्भावना के साथ में सब फैसले हों। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री बना पहली बार, वो मुख्य सचेतक बने, एक हमारे इंडिपेंडेंट जीते हुए थे रामस्वरूप कशाना, कोटपूतली से नौजवान था। तो मैंने उसको कहा एक काम कर, अभी अभी सरकार अपनी बनी है और थोड़े समय पहले ही बहुत ही ज्यादा गुर्जर व मीणा समाज के अंदर टकराव हो गया है, और उस वक्त सरकार बीजेपी की थी और काफी लोग मारे गए थे, 76 लोग करीब मारे गए थे गुर्जर समाज के, बहुत दुख हो रहा था सबको। तो मैंने कशाना को भी कहा, हरी सिंह जी को भी कहा कि जयपुर में एक मौन जुलूस निकालो, शांति जुलूस, मीणा समाज और गुर्जर समाज एक जुलूस निकाले, शांति मार्च निकाले। और मैं निकलवाया,
हमारी कोशिश थी कि समाज गांव के अंदर, चाहे मीना हो, चाहे वो गुजर हो या कोई समाज हो, आपस में मिलके कैसे रहें। कि मेरा मानना रहता है कि जहाँ शांति होती है वहीं प्रगति होती है, जहाँ झगड़े होते हैं वहां पर प्रगति रुक जाती है, चाहे वो परिवार की हो, चाहे वो गांव की हो, चाहे जिले की हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे देश की हो। परिवार में झगड़े होते हैं, जिस परिवार में, वो परिवार कभी ऊपर नहीं आ सकता है। कोई बात लागू होती है, कोई समाज की बात करें या गांव की बात करें, उस दृष्टिकोण जरूरी है कि हम पूरे देश के बारे में सोचें, पूरे प्रदेश के बारे में देखें, गांव के बारे में देखें। सभी लोगों का धर्म बनता है कि हम आपस में प्यार से, प्रेम से, भाईचारे से, सद्भावना के साथ रहें। व्यक्तिगत कोई ऐसी स्थिति नहीं बने जिससे तनाव पैदा हो जाए। और आज सबसे बड़ी आवश्यकता भी देश के अंदर, कैसे पूरा मुल्क जो है उसमें, अभी किसान लोग बैठे हुए धरने पर, करीब 4 महीने होने आए हैं, सर्दी में ठंड में उनको बैठा रहना पड़ा। तो सरकार को चाहिए कि आगे आके बातचीत करके सॉल्यूशन निकाले, हल करे। जनता तो जिद कर सकती है, किसान जिद कर सकते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, पर जो सरकार में होते हैं उनकी ड्यूटी होती है वो उनसे बातचीत करें, मनाएं, समझाएं, और सरकार खुद जिद नहीं करे। अभी केंद्र सरकार भी जिद पे अड़ी हुई है। लोकतंत्र में सरकारों को जिद पे नहीं अड़ना चाहिए। तो मतदाता है जिनके आशीर्वाद से हम जीत के आते हैं, सरकार में बैठते हैं। जनता जिद कर सकती है, पर सरकार जिद पे अड़ जाए ये अच्छी बात नहीं होती है। तो अभी लोग बहुत तकलीफ में हैं, 200 से अधिक लोग मारे गए हैं सर्दी के अंदर भी। आज अगर ऋषि जी मवा होते तो वो आवाज बुलंद करते किसानों की, वैसे उनकी सोच थी। हमने भी बहुत बड़े बड़े फैसले किए, आपने भी सुना हमारे मित्रों से कि बजट जो पेश किया, बजट कोरोना बहुत भयंकर महामारी है, अभी वापस आने लग गई है, गांव में बहुत असर नहीं के बराबर है, पर शहरों में बहुत भयंकर असर रहा है। पूरे देश के अंदर करीब 1,70,000 लोग मारे गए हैं हमारे खुद के देश के अंदर, और दूसरा राउंड शुरू हो गया है बीमारी का, वो हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, आप भी ध्यान रखें इस कोरोना का, इस महामारी से बचें, आप स्वयं, आपके परिवार वाले, और जो मास्क लगाने की बात की जाती है, हाथ धोने की बात की जाती है साबुन से, दूर दूर बैठना चाहिए। अब आप लोग तो बहुत दर्दी बैठे हुए हो, यहाँ के कलेक्टर की जिम्मेवारी थी SP की, तो आपको संदेश करवा के दूर दूर बैठाते आपको, वो खुद यहाँ बैठे हुए SP कलेक्टर, उनकी मौजूदगी में आप लोग ने सारा सामाजिक डिस्टेंस का कोई पालना नहीं करी। इसी कारण से बीमारी फैल रही है राजस्थान के अंदर भी। तो ये जो है इसका भी आप ख्याल रखें। बजट जो हमने दिया है उसमें बहुत शानदार हमने कई फैसले किए हैं, जिसमें आपके मवा के अंदर भी जो मैंने जो अभी प्रसाद जी कह रहे थे, ममता भूपेश जी ने कहा, भजनलाल जी ने कहा, अशोक चांदना ने कहा, अशोक चांदना साहब के प्रभारी हैं, जो मांगा हमने दिया सबको, राजस्थान भर के MLAs को कोई कमी नहीं रखी, और जो जो हमारे पास ज्ञापन आए हमने कोशिश की अधिक से अधिक मांगे पूरी करे। मवा के अंदर भी CHC में जो है, जो अस्पताल है मवा, 50 बेड 100 बेड के मनोज किए, CHC को भी आगे बढ़ाने के लिए हमने उसके लिए सुविधाएं करी है। मंडावर में उपखंड कार्यालय SDM कार्यालय खोला है, घोषणा कर दी है मंडावर में।